13 सितंबर 2013 के दिन भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को अपना पीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया। लाखों लोग मोदी की रैलियों में सुनने को आते, सबको सिर्फ एक ही उम्मीद कि जिसने गुजरात को बदल दिया वो भारत की दिशा भी बदल देगा। भारत के लोग सपना देखने लगते हैं कि विदेशों से काला धन आएगा, सरकारी नौकरियां मिलेंगी, अस्पताल और स्कूलों की दिशा बदल जाएगी, क्योंकि मोदी उन्हें एक सपना दिखा रहे थे जिस सपने का नाम था गुजरात मॉडल। वहीं उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की इमेज एक गूंगे बहरे और असफल नेता की बन चुकी थी जिसे जनता किसी भी कीमत पर हटाना चाहती थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई मनमोहन सिंह एक असफल नेता थे? क्या वाकई मोदी ने मनमोहन सिंह से बेहतर काम करके दिखाया? मनमोहन सिंह के 10 साल में और मोदी के 10 साल में आखिर जनता को क्या मिला? मोदी और मनमोहन में बेहतर कौन? जहां मनमोहन सिंह ने भारत को छोड़ा, आखिर नरेंद्र मोदी उस भारत को कितना आगे ले गए या पीछे ले गए? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज की इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। 5 मार्च 2012 के दिन नरेंद्र मोदी ने एक रैली में कहा, उसे सुनिए। कुछ दिन पूर्व देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह टीवी पर बयान दे रहे थे और वो कह रहे थे कि मान रोटेशन, कुपोषण, ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी शर्म है। उन्होंने कहा शर्म है, स्वीकार किया, लेकिन आगे क्या? आगे कोई खबर आई आपके पास? यहां किया तो सुना भाई, कुछ नहीं। वीरा व्यक्त कर दी, बता दिया ये गुजरात देखिए कैसे रास्ता दिखाता है। गुजरात के गांव गांव कुपोषण से मुक्ति का एक जंग छेड़ दिया गया और लोग हजारों किलो सुखड़ी, हजारों लीटर दूध, हजारों किलो ड्राई फ्रूट कुपोषित बच्चों को देने के लिए दान में दे रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जिस वक्त मोदी ये भाषण दे रहे थे, उस वक्त उपलब्ध सरकारी आंकड़ों यानी तीसरे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार गुजरात में 3 साल से कम उम्र वाले बच्चों में करीब 41% बच्चे अंडरवेट थे, जो देश के औसत से भी बहुत खराब आंकड़ा था। इसी सरकारी रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में 15 से 45 साल की उम्र वाली महिलाओं में करीब 55% महिलाओं को एनेमिक है, यानी एनेमिक से पीड़ित पाई गई हैं, यानी खून की कमी पाई गई है। लेकिन मोदी जी भाषण दे रहे थे कि मेरे गुजरातियों के द्वारा हजारों किलो सुखड़ी, हजारों लीटर दूध, हजारों किलो ड्राई फ्रूट्स कुपोषित बच्चों को दान में दी जा रही हैं। लेकिन कहां दान में दी जा रही हैं? इसमें भी कवाल की बात ये रही कि जब अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार ने मोदी से सवाल पूछा कि गुजरात के 5 साल से नीचे के बच्चों में करीब 50% बच्चे बौने और अपनी उम्र के हिसाब से शॉर्ट क्यों हैं, तब मोदी ने जवाब दिया कि गुजरात एक मिडिल क्लास स्टेट है, मिडिल क्लास महिलाएं ब्यूटी कॉन्शियस ज़्यादा होती हैं, वे हेल्थ कॉन्शियस नहीं हैं। अगर एक माँ बेटी से कहती है कि दूध पी लो तो उनमें लड़ाई होने लगती है। वो अपनी माँ से कहेगी कि मैं दूध नहीं पीऊँगी क्योंकि मैं मोटी हो जाऊँगी। अब ये तो मोदी ही बता सकते हैं कि 5 साल से नीचे के लड़के या लड़कियाँ कब से ब्यूटी कॉन्शियस होने लगे, उसमें भी बाकी राज्यों को छोड़ सिर्फ गुजरात के बच्चे ही ब्यूटी कॉन्शियस क्यों थे, वे ही क्यों कुपोषित और बौने थे। बच्चों के मामले में ये माना जा सकता है, लेकिन बड़ों के मामले में इस बात से सहमत हूँ कि लोग आजकल जितने हेल्थ कॉन्शियस नहीं हैं, उतने ब्यूटी कॉन्शियस हैं। आप किसी को भी देखो, सब अच्छे दिखना चाहते हैं। मैं भी कुछ ऐसा ही था, मुझे मेरे बाल बहुत पसंद थे और जब मेरा हेयर लॉस होना शुरू हुआ तब मैंने सबसे पहले प्रोडक्ट्स खरीदे, और बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा आजकल एंटी हेयर फॉल शैम्पू ही बिकते हैं। पर मैं समझ नहीं पाया कि इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन ब्यूटी कॉन्शियस बनकर नहीं बल्कि हेल्थ कॉन्शियस बनने से ही मिलेगा। फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे ट्राया के बारे में बताया। मैंने इनका ऐप डाउनलोड करके उनके फ्री हेयर टेस्ट में अपनी सारी डिटेल्स डाली, जैसे हेल्थ हिस्ट्री, स्कैल्प कंडीशन और अपने स्कैल्प की फोटो भी डाली, जिसके बाद मुझे पता चला कि मेरे हेयर लॉस जेनेटिक हैं और मेरी बदलती लाइफ स्टाइल डाइट की वजह से मेरे जेनेटिक हेयर फॉल तेजी से बढ़ने लगे हैं। मेरे हेयर फॉल का रूट कॉज बताने के बाद ट्राया ने मुझे एक कस्टमाइज्ड किट प्रोवाइड करी जो आयुर्वेद और डर्मेटोलॉजी पर आधारित है। उनकी किट डाइट प्लान मैंने कंसिस्टेंटली फॉलो किए और काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले। मेरी तरह ट्राया के 93% कस्टमर्स ने रिजल्ट्स देखे हैं। 2.5 लाख से भी ज्यादा इंडियंस ट्राया पर भरोसा करते हैं।
अगर आप भी हेयर फॉल से जूझ रहे हैं तो आज ही ट्राया का ऐप डाउनलोड करके उनका फ्री हेयर टेस्ट लें और अपना 1 मंथ कस्टमाइज किट खरीदें और 5 से 6 महीने में रिजल्ट्स देखें। मेरा कोड SHYAM20 यूज करने पर आपको 20% ऑफ भी मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में डाल दी है। अब वापस टॉपिक पर लौटते हैं। जो नरेंद्र मोदी कुपोषण और गरीबी पर मनमोहन सिंह को ज्ञान दे रहे थे, अब वे ही खुद सत्ता में 10 साल से रह चुके हैं, इसलिए ये जानना जरूरी है कि उनके काल में बच्चों के कुपोषण की स्थिति क्या है। साल 2024 में इंडिया टुडे मैगजीन पर छपी एक रिपोर्ट के अनुसार आज भारत में जीरो फूड चिल्ड्रेन की संख्या पूरी दुनिया में सबसे अधिक है। जीरो फूड चिल्ड्रेन से मतलब 6 से 23 महीने के बीच के जो बच्चे जिन्हें 24 घंटे में खाने को कुछ भी नहीं मिला एक दिन। इस स्टडी के अनुसार जितने पूरे दुनिया के 92 देशों में जीरो फूड चिल्ड्रेन हैं, उसके आधे अकेले भारत में हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज भारत में हेल्थ सेक्टर किधर जा रहा है। जिस वक्त पीआर कंपनियों के माध्यम से मोदी गुजरात मॉडल और मोदी मॉडल का प्रचार कर रहे थे, उस वक्त भी लोग मोदी मॉडल के बारे में सच लिख रहे थे, लेकिन उस वक्त कोई मोदी के खिलाफ सुनना नहीं चाहता था। एक इंटरव्यू में मोदी ने कहा, गुजरात में 14 साल का हिसाब देखिए। अब जैसे गुजरात 14 साल के काम का हिसाब देखिए। हिंदुस्तान के पर कैपिटा इनकम से मेरे राज्य की पर कैपिटा इनकम अनेक गुना बड़ी है। हिंदुस्तान में टोटल जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से जो जॉब मिले, हिंदुस्तान में पिछले 10 साल में 57% जॉब अकेले गुजरात से मिले। मेरे यहाँ पहले 2% एग्रीकल्चर ग्रोथ था और 10 साल में 10% एग्रीकल्चर ग्रोथ हुआ। मेरे यहाँ टूरिज्म नहीं था, नामो निशान नहीं था। आज हिंदुस्तान में जो टूरिज्म ग्रोथ है, उससे मेरे राज्य का टूरिज्म ग्रोथ हुआ है। मोदी की बातों से लगता है कि गुजरात में पहले कुछ नहीं था और उन्होंने आके गुजरात की तस्वीर बदल दी। भारत बहुत डाइवर्स देश है, जहां बिहार, उड़ीसा, झारखंड जैसे गरीब देश हैं, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब जैसे समृद्ध राज्य भी हैं। इसलिए पूरे भारत का एवरेज स्वाभाविक तौर पर कम आता है। भारत के एवरेज से ऊपर अकेले गुजरात राज्य नहीं था, कोई 10-12 राज्य रहे होंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि तटीय और व्यापारिक राज्य होने के चलते गुजरात पहले से ही समृद्ध रहा है। 1980 और 1990 के दशक में भी गुजरात की ग्रोथ ऑल इंडिया लेवल से ऊपर थी। तब तो गुजरात में कांग्रेस की सरकारें थी। इस लॉजिक से तो 2000 के दशक के बीच की जो ग्रोथ का क्रेडिट कांग्रेस को दिया जाना चाहिए। इसे और थोड़ा डिटेल में जाकर चेक करते हैं। 1990 के दशक में भारत की नेशनल एवरेज ग्रोथ 3.7% थी, वहीं गुजरात की ग्रोथ 4.8% थी। वहीं 2000 के दशक में, जिसे मोदी मॉडल का टाइम कहा जाता है, गुजरात मॉडल का टाइम कहा जाता है, उसमें नेशनल ग्रोथ 5.6% थी, वहीं गुजरात की ग्रोथ 6.9% थी। यानी दोनों दशकों में गुजरात की ग्रोथ में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आया। अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो मामूली सा अंतर है। जितना पीआर कंपनियों के दम पर जो हाइप बनाया गया, उन आंकड़ों के सामने वो फर्जी मालूम पड़ता है। इसकी पोल तब और खुल जाती है जब ये देखा जाए कि इसी वक्त में अन्य राज्यों ने कितनी ग्रोथ की। जैसे बिहार, जो 1990 के दशक में मात्र 1% ग्रोथ कर रहा था, वो 2000 के दशक में 6.9% ग्रोथ कर रहा था, मतलब गुजरात के बराबर। अब अर्थशास्त्र के जानने वाले ये कह सकते हैं कि एक गरीब राज्य की ग्रोथ में और समृद्ध राज्य की ग्रोथ रेट में अंतर है। गरीब राज्य के पास ज्यादा ग्रोथ करने के लिए जगह होती है, वहीं समृद्ध राज्य के पास कम ग्रोथ की जगह होती है। अब महाराष्ट्र का उदाहरण लेंगे। महाराष्ट्र गुजरात से भी काफी आगे है। पूरे देश में सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में 90 के दशक में 4.5% ग्रोथ हो रही थी, लेकिन महाराष्ट्र जैसे राज्य में भी 2000 के दशक में 6.7% की विकास दर्ज हो रही थी। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी गुजरात से ज़्यादा ग्रोथ हो रही थी, लेकिन मोदी ने ऐसे प्रचारित किया कि सिर्फ गुजरात में विकास हो रहा है और उन्होंने गुजरात को बदल कर रख दिया है। लेकिन सच्चाई यह है कि मोदी का आर्थिक मॉडल ही नहीं बल्कि उनका सोशल मॉडल और अधिक फेक था। जहां ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में केरल राज्य देश में टॉप हुआ करता था या आज भी है, वहीं 1980 और 1990 के दशक में गुजरात राज्य नेशनल एवरेज से कुछ ऊपर था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह रही कि 2000 के दशक में जब मोदी मॉडल का टाइम आया तो गुजरात ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नेशनल एवरेज से भी नीचे चला गया। यानी जिस वक्त गुजरात मॉडल का टाइम था, नरेंद्र मोदी का टाइम था, उस वक्त गुजरात का HDI नेशनल एवरेज से औसतन से भी कम चल रहा था। अब बात करें इनइक्वालिटी की, जनता के बीच के आपसी असमानता की, मतलब गरीब और अमीरी के अंतर की, तो 1980 और 90 के दशक में ही गुजरात नेशनल एवरेज से भी नीचे था। यानी यहाँ गरीब और अमीर में जमीन आसमान का अंतर था, लेकिन ये अंतर 2000 के दशक में यानी मोदी मॉडल के टाइम पर और अधिक खराब हो जाता है। गरीबी कम करने के मामले में जहाँ पिछले 3 दशकों में गुजरात, तमिलनाडु राज्य के आगे कहीं नहीं टिकता,
इसमें कोई शक नहीं है कि गुजरात ने आर्थिक तरक्की की है, कहीं कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन अकेले गुजरात ने तरक्की की है ये गलत है। और दूसरी बात कि गुजरात ने मोदी के शासन में ही तरक्की की है ये भी गलत है। गुजरात में तब से ही आर्थिक तरक्की शुरू हो चुकी थी जब 1980 के दशक में देश में लिबरलाइजेशन हुआ। यहाँ पत्रकार आकार पटेल के द्वारा बिजनेस अखबार लाइव मिंट में लिखा एक आर्टिकल याद आता है जो उन्होंने अप्रैल 2014 में लिखा। आकार पटेल लिखते हैं कि सच्चाई ये है कि गुजरात मॉडल जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन हाँ गुजराती मॉडल जरूर है। लेकिन क्या गुजरातियों को सक्सेसफुल होने के लिए नरेंद्र मोदी के मॉडल की आवश्यकता पड़ी थी? अमेरिका में रहने वाले गुजराती पटेल ब्रदर्स जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सुपरमार्केट चेन चलाते हैं, वे मोदी की वजह से सक्सेसफुल हुए? साउथ अफ्रीका में रहने वाले गुजराती मूल के मेमन लोग और केन्या और तंजानिया जैसे देशों में जो गुजराती डोमिनेट हैं, और पालनपुरी जैंस जिनका इजराइल और ब्रुसेल्स में बड़े लेवल पर डायमंड का कारोबार चलता है, क्या उनको मोदी के मॉडल ने कोई मदद की? बंगलुरु में रहने वाले उद्योगपति अजीम प्रेमजी से लेकर टाटा परिवार सब गुजराती रहे। मुंबई के स्टॉक मार्केट तक पर गुजरातियों का नियंत्रण रहा है। केरल के कोची में सबसे अच्छी मसाले की दुकानें गुजराती मालिकों की हैं। मतलब गुजरातियों का देश और दुनिया के बाजार में कंट्रोल सालों पहले से रहा है, जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री भी नहीं बने थे या राजनीति में भी नहीं आए थे। वैसे में गुजराती मॉडल को मोदी मॉडल बताना सिर्फ और सिर्फ प्रचार कंपनियों की मदद से एक राजनीतिक चालाकी और या एक बड़ा झूठ भर है। अगर उसमें रत्ती भर भी सच्चाई थी तो अब देखते हैं कि केंद्र की सत्ता में आने के बाद मोदी ने गरीबों, मजदूरों और आम जनता के लिए क्या किया। राम मंदिर, आर्टिकल 370, नोटबंदी और कोरोना में थाली बजवाना या ट्रिपल तलाक को लेकर एक कानून ले आना, ये सब कोई आर्थिक मुद्दे नहीं है, इसलिए इन पर इस वीडियो में बात करना बेकार है, क्योंकि भाजपा इन्हें अपनी उपलब्धि बताती है, लेकिन सच ये है कि इनसे गरीबों की आर्थिक स्थिति में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। इसलिए बाकी स्कीमों पर जाते हैं और ये देखते हैं कि मोदी साल 2012 और 13 में क्या कह रहे थे और 2024 में उनके उन वायदों की आज हालत क्या है। साथ ही साथ ये भी कंपेयर करते हैं, ये भी करते हुए चलेंगे कि मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के 10 साल में क्या क्या हुआ और क्या क्या अंतर है। साल 2011 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार फूड सिक्योरिटी बिल लेकर आती है। इस विधेयक के तहत ये तय किया गया कि 75% ग्रामीण जनता और 50% शहरी जनता को खाद्यान्न जैसे गेहूं, चावल जैसी चीजें दी जाएंगी। करीब 80 करोड़ जनता को 3 रुपए प्रति किलो चावल, 2 रुपए प्रति किलो गेहूं और ज्वार बाजरा जैसे मोटे अनाज को मात्र 1 रुपए प्रति किलो देने की व्यवस्था बनाई गई। लेकिन समस्या ये थी कि इतने बड़े स्तर पर अनाज देने का मतलब था कि सरकार का बजट ही बिगड़ जाना। गैर कांग्रेसी राज्यों ने मनमोहन सिंह की इस योजना का विरोध करना शुरू कर दिया। गैर कांग्रेसी राज्य मतलब भाजपा सरकारें और अन्य दलों की सरकारें। उन्होंने कहा कि वे इतना खर्च नहीं उठा सकते। साल 2013 में जब मनमोहन सरकार फूड सिक्योरिटी कानून को लाने जा रही थी, तब सरकार ने बताया कि इस पर हर साल कम से कम 95,000 करोड़ रुपए खर्च होने जा रहे हैं। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा कि इस पर 2 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक या 3.5 लाख करोड़ रुपए तक खर्च आएगा। तब भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने जा रहे नरेंद्र मोदी ने पीएम मनमोहन सिंह को एक पत्र लिखकर ये तक कह डाला कि इस कानून की वजह से कुपोषण उल्टा बढ़ेगा। नरेंद्र मोदी यही नहीं रुकते, बल्कि 21 अगस्त 2013 के दिन हैदराबाद की एक रैली में मोदी ने कहा, जब वाजपेयी जी की सरकार थी इस देश में गरीबी की थाली में रोटी की चिंता नहीं थी, गरीब की थाली में रोटी पहुंचती थी, इसलिए कभी फूड सिक्योरिटी के लिए सोचना नहीं पड़ा। ये कांग्रेस पार्टी ने गरीब की हालत इतनी खराब कर दी है कि उनको फूड सिक्योरिटी बिल की बात करने की नौबत आ गई। जब वाजपेयी जी की सरकार थी इस देश में गरीब की थाली में रोटी की चिंता नहीं थी, उनको फूड सिक्योरिटी बिल की बात करने की नौबत आई। यहाँ दो कॉमन सवाल उठते हैं। एक ये कि ऐसा कब हुआ कि वाजपेयी के वक्त देश में गरीबी खत्म हो गई और कांग्रेस के वक्त अचानक गरीबी कहीं से आ गई। दूसरा सवाल, अगर कांग्रेस द्वारा गरीबों को राशन देना गलत था तो मोदी सरकार ने गरीबों को राशन देना बंद क्यों नहीं कर दिया। सच ये है कि मोदी सरकार के वक्त जब कोरोना महामारी ने देश के गरीबों के लिए आफत बनकर आई तो ये राशन व्यवस्था ही थी जिसने देश के गरीबों की थाली में रोटी भेजी। मनमोहन सरकार के कानून की वजह से देश के 80 करोड़ गरीबों को सिर्फ राशन व्यवस्था ने ही बचाया। उस स्कीम को 30 जून 2020 के दिन मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना बना दिया। कोरोना के संकट ने देश में खाद्य सुरक्षा को संकट में डाल दिया था। यही रीजन है कि इस देश को खाद्य सुरक्षा देने के लिए मनमोहन सिंह खाद्य सुरक्षा कानून लेकर आए।
जिसका मोदी पत्र लिखकर विरोध कर रहे थे और रैलियों में जाकर मजाक उड़ा रहे थे। इस योजना में बस ये बदलाव किया गया कि एक एक दो दो रुपए जो लिए जा रहे थे वो मोदी ने मुफ्त कर दिए और उस पर अपना झोला लगा दिया, बड़ा सा फोटो लगा दिया। जबकि मनमोहन सिंह ने कभी ये एहसास नहीं कराया कि सरकार आप पर निजी एहसान कर रही है या ये मनमोहन सिंह की जेब से गए। जब किसी योजना के साथ राइट शब्द यूज किया जाता है, अधिकार शब्द यूज किया जाता है, तो वो आपका अधिकार होता है। इसलिए मनमोहन सरकार द्वारा राशन व्यवस्था को राइट टू फूड में लाया गया और कभी उस पर मनमोहन सिंह का फोटो नहीं लगाया गया, क्योंकि वो मनमोहन सिंह के पैसे से नहीं दिए गए थे, वो राहुल गांधी या कांग्रेस के पैसों से नहीं लाए गए थे, बल्कि जनता के टैक्स से जनता को ही दिया जा रहा था। हालांकि वही मोदी ने एक रैली में ये तक कहा कि जनता ने मोदी का नमक खाया है, कि अम्मा ने मोदी का नमक खाया है, मोदी का नमक खाया है। जैसे पूरे देश में मोदी के वड़नगर वाले घर में ही बने नमक को ही बांटा जा रहा हो। आज हाल यह है कि साल 2011 से लेकर साल 2013 तक मोदी मनमोहन सिंह के जिस राइट टू फूड वाली राशन व्यवस्था का विरोध कर रहे थे, उसे न केवल अपनी सरकार में देते रहे, बल्कि साल 2020 में कोरोना में उसमें बदलाव लाने के बाद उसका 6 बार टाइम बढ़ा चुके हैं। यानी कोरोना के वक्त 1-2 रुपए लेने के बजाय जो मुफ्त में राशन देने की नई व्यवस्था 3 महीने के लिए लाई गई थी, साल 2024 में मोदी सरकार को वो योजना आज भी चलानी पड़ रही है। मनमोहन सरकार की सिर्फ यही योजना नहीं थी जिसका मोदी ने विरोध किया और बाद में संकट के समय उन्हीं योजनाओं ने देश को बचाया, बल्कि मनरेगा भी ऐसी स्कीम थी। 27 फरवरी 2015 के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा, मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा को कभी बंद मत करो, मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता, क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आज़ादी के 60 साल बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा, यह आपकी विफलताओं का स्मारक है। मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा, दुनिया को बताऊंगा कि ये गड्ढे जो तुम खोद रहे हो वो इन 60 सालों का परिणाम है। लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि आज तक मोदी सरकार इस मनरेगा योजना का विकल्प नहीं खोज सकी। आज भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मनरेगा का बड़ा रोल है, खासकर कोरोना में लॉकडाउन के वक्त जब प्रवासी मजदूर वापस अपने अपने गांव लौट रहे थे तो उनके पास काम करने के लिए कुछ नहीं था। गरीब मजदूरों पर कोई सेविंग भी नहीं होती। उस संकट में जब अधिकतर कंपनियां अपने कर्मचारियों को या तो निकाल रही थी या वेतन आधा कर रही थी, उन परिस्थितियों में सिर्फ मनरेगा ही थी जिसने देश के सबसे गरीब लोगों, प्रवासी मजदूरों और किसानों को सहारा दिया, गाँव में ही रोजगार देने का काम किया गया। ये मनमोहन सिंह की स्कीम थी। मनमोहन सिंह ने 25 अगस्त 2005 के दिन मनरेगा स्कीम की शुरुआत की। इस स्कीम में भी मनमोहन सिंह ने कहीं अपना क्रेडिट नहीं लिया, कहीं फोटो नहीं छपाए, बल्कि इसे राइट टू वर्क के रूप में, एक स्टेप के रूप में शुरू किया। मतलब ये सरकार का एहसान नहीं बल्कि हमारा अधिकार था, जनता का अधिकार था कि हम 100 दिन का काम सरकार से मांग सकते हैं और सरकार ये काम करने के लिए बाध्य है। दैनिक जागरण अखबार में छपे एक ग्रामीण का बयान इस बारे में जाना जाना चाहिए। जितेंद्र नाम के एक मजदूर ने दैनिक जागरण अखबार को बताया कि मनरेगा में उसको निर्धारित समय पर रोजगार मिल रहा है, उसको काम करने के लिए किसी ठेकेदार का इंतजार नहीं करना पड़ता। मेरे खुद के गांव में बहुत से लोगों को मनरेगा के कारण काम मिलता था। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के द्वारा की गई एक स्टडी के अनुसार मनरेगा ने गांव के विकास और माइग्रेशन यानी ग्रामीणों के शहरों की तरफ जो प्रवास होता है उसे रोकने के लिए बड़ा योगदान दिया है। इस स्टडी के अनुसार 10 लोगों में से 9 लोगों ने कहा है कि एक घर के लिए 100 दिन के काम की गारंटी की जगह हर व्यक्ति को अकेले ही 100 दिन के काम मिलने की गारंटी मिलनी चाहिए। लेकिन मोदी सरकार मनरेगा को पूरी तरह लागू करने में पूरी तरह असफल रही। मनरेगा के लिए काम कर रहे अर्थशास्त्री जीन ड्रेज और एक्टिविस्ट ऋचा सिंह का कहना है कि मनरेगा में जो 100 दिन काम करने की जो गारंटी थी उसकी जगह सरकार यानी मोदी सरकार 50 दिन भी काम नहीं दे पा रही है। इन दोनों तथ्यों से पता चलता है कि मनमोहन सिंह की सोच में और नरेंद्र मोदी की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। जिस मनरेगा को मोदी ने मनमोहन सिंह की असफलताओं का जीता जागता स्मारक बताया, उस मनरेगा की जनता में क्या डिमांड है? उस योजना की नरेंद्र मोदी सरकार में इतनी डिमांड है कि मोदी सरकार तय 100 दिन के वायदे के आधे दिन भी गरीबों को काम नहीं दे पा रही है। दरअसल सरकारी नियम और कानून दो तरीके से बनाए जाते हैं, या ये कहें कि तीन तरह की व्यवस्थाएं होती हैं। एक पूंजीवादी व्यवस्था जिसमें उद्योगों पर ध्यान दिया जाता है, स्वाभाविक है कि इसका लाभ उद्योगपतियों को ही मिलता है, अधिक मिलता है, और उम्मीद की जाती है कि ये आर्थिक समृद्धि जो उद्योगपतियों को मिल रही है वो निचले स्तर पर भी पहुंचेगी। दूसरी व्यवस्था होती है समाजवादी व्यवस्था, इसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से सरकारी योजनाएं बनाई जाती हैं जिनमें आम जनता को अधिक अधिकार दिए जाते हैं।
जैसे भाजपा की ही अगर एक योजना लें तो वो उज्ज्वला योजना, जिसमें आम लोगों को सिलेंडर दिए गए। जैसे कांग्रेस और आप सरकार के द्वारा महिलाओं की बस सेवा मुफ्त की गई। जैसे मनमोहन सरकार के द्वारा किसानों के कर्ज माफी शुरू की गई। तीसरी व्यवस्था होती है जो इन दोनों के बीच की है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें पूंजीवाद भी काम करता है और उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जाता है और आम आदमी की केंद्रित योजनाएं भी बनाई जाती हैं। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब कांग्रेस सरकार आती है तो वो इस मिश्रित अर्थव्यवस्था में गरीब केंद्रित, आम आदमी केंद्रित योजनाएं अधिक लाती है, जैसे मनरेगा योजना, राशन व्यवस्था या सूचना का अधिकार या भूमि अधिग्रहण कानून, जिसमें किसानों को ज्यादा अधिकार दिए गए। वहीं भाजपा जब आती है तो वो इस मिश्रित अर्थव्यवस्था में उद्योग केंद्रित योजनाएं अधिक लाती है, जैसे स्टार्टअप इंडिया, प्राइवेटाइजेशन करना, मेक इन इंडिया आदि। इसे दो बड़े उदाहरणों से समझते हैं। पहले जब बड़े निजी सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन की जरूरत पड़ती थी तो किसानों को भारी भेदभाव का सामना करना पड़ता था। उनकी मर्जी के बिना ही जमीनें ले ली जाती थी और कौड़ी के भाव मुआवजा दिया जाता था। लेकिन किसानों को अधिक अधिकार देने के लिए साल 2013 में मनमोहन सिंह भूमि अधिग्रहण यानी लैंड एक्विजिशन का कानून लेकर आए। मनमोहन सिंह ने कानून बनाया कि निजी सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए तभी जमीन ली जा सकती है जब 70% किसान सहमत होंगे, अन्यथा उस जमीन को नहीं लिया जा सकता, चाहे वो कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो। इससे पहले के 1984 वाले भूमि अधिग्रहण अधिनियम में, यानी उस कानून में, ये प्रावधान नहीं था। साफ है, इस कानून ने किसानों को सशक्त बनाया। मनमोहन सिंह ने यह भी नियम बनाया कि ग्रामीण क्षेत्र की जमीन के लिए मार्केट रेट से 4 गुना रेट पर मुआवजा दिया जाए और अगर शहरी जमीन है तो वहां पर मार्केट रेट से 2 गुना मुआवजा दिया जाए। और ये भी नियम बनाया कि अगर 1 साल के भीतर पैसे ना दिए जाएं, यानी मुआवजा ना दिया जाए, तो अधिग्रहण की प्रक्रिया रद्द मानी जाए। इस कानून से पहले भूमि अधिग्रहण को लेकर देश में तमाम आंदोलन किसानों के द्वारा किए जाते थे, लेकिन मनमोहन सरकार ने 1984 के कानून को हटाकर अब तक का बेस्ट भूमि अधिग्रहण कानून बनाया। इस कानून के नियमों से स्पष्ट था कि इससे किसानों को और अधिक ताकत मिली। लोकतंत्र जिनके लिए बनाया गया है, जिन्होंने बनाया है, उन्हें ताकत मिली है। लेकिन वहीं जब आप साल 2020 में नरेंद्र मोदी के द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किसके हित में बनाए गए। इन तीनों कृषि कानूनों को खेती किसानी के कॉर्पोरेटाइजेशन की तरह देखा गया, जिसका लाभ उद्योगपतियों को मिलना था। उद्योगपति खेती कर सकते थे, उद्योगपति ही स्टॉक लिमिट से ज्यादा भंडारण कर सकते थे, जितने चाहे आलू टमाटर रख सकते थे। उद्योगपतियों को किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का अधिकार दे दिया गया, जितना चाहे लूट सकते हैं। इस पूरे कृषि कानून में किसानों का हित दूर दूर तक नहीं था। कहानी गढ़ी गई कि अगर खेती किसानी उद्योगपति करेंगे तो किसानों को भी लाभ मिलेगा। तीन कृषि कानूनों और MSP को लेकर मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, जिसे आप देख सकते हैं। मनमोहन सिंह ने मनरेगा योजना में गरीबों मजदूरों को काम का अधिकार दिया, राइट टू फूड योजना बनाकर राशन का अधिकार दिया, सूचना का अधिकार कानून बनाकर सूचना का अधिकार दिया, वहीं राइट टू एजुकेशन से गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की। आज सरकारी स्कूलों में जो 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जा रही है, वो मनमोहन सिंह के कारण मिलती है। जो स्कूलों में गरीब मजदूरों के बच्चों को राशन मिलता है, यानी मिड डे मील में जो खाना मिलता है, वो मनमोहन सिंह के कारण मिलता है। ये मनमोहन सिंह ही थे जिन्होंने प्राइवेट स्कूलों में भी 25% सीटें आर्थिक रूप से गरीब बच्चों के लिए रिजर्व करवाई। अगर आप गरीब हैं तो देश के किसी भी प्राइवेट स्कूल में, वो कितना भी महंगा हो, उसकी फीस कितनी भी महंगी हो, उसमें अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं। हालांकि उसकी प्रोसेस है, जरूरी नहीं है कि वो आपको मिले, लेकिन 25% सीटें गरीबों के लिए हैं। ये कानूनन है, कोई भी प्राइवेट स्कूल गरीबों को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता। स्कूलों में व्यवस्थाएं होने के बाद कायदे से भारत सरकार को यूनिवर्सिटियों या विश्वविद्यालयों में शिक्षा मुफ्त करने पर आना था, लेकिन आज देखिए विश्वविद्यालयों में जगह जगह फीस वृद्धि के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं। धीरे धीरे सारी स्कॉलरशिप खत्म कर दी जा रही है। सरकारी संस्थानों से कहा जा रहा है कि वे खुद ही अपना फंड इकट्ठा करें। इस कारण सरकारी संस्थान हॉस्टल फीस बढ़ा रहे हैं, ट्यूशन फीस बढ़ा रहे हैं, जिस कारण छात्र आंदोलन कर रहे हैं। ये दो सरकारों और दो प्रधानमंत्रियों का अंतर है। एक गरीब केंद्रित योजनाएं बनाता है और एक गरीबों को नगद पैसे भेज देता है, लेकिन स्कूलों की फीस बढ़ा देता है, अस्पतालों की हालत पर ध्यान नहीं देता, यूनिवर्सिटियों पर ध्यान नहीं देता। उसका पूरा जोर प्राइवेटाइजेशन पर है, उद्योगों पर है, उद्योगपतियों पर है, उद्योगपति मित्रों पर है। अब आप तय करिए कि आपको कौन पसंद है। इस वीडियो में 1000 बातें और आ सकती थीं, लेकिन इस वीडियो के समय की सीमा है, इस कारण कुछ ही स्कीमों पर बात हुई, अन्य स्कीमों पर बात फिर कभी। तब तक के लिए बने रहिए इसी चैनल पर। नमस्कार।